लिटिल सिंगम भाई, तुझे पता है आज क्या है? आज ना संडे है और आज के दिन का मैं ना बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज ना लॉस सेंटर्स में यार लैम्बोर्गिनी जीतने का मौका मिलता है। हाँ सिंचन भाई, आज के दिन भाई लैम्बोर्गिनी जीतने का मौका मिलता है। मैंने तो अपने पापा से बोल रखी है, आज तो मेरे पापा भी लैम्बोर्गिनी के उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और देखिए मेरे पापा ही लैम्बोर्गिनी जीतेंगे। अबे रहने दे, मेरे फ्रैंकल भैया लैम्बोर्गिनी जीतेंगे। हाँ तो सिंचन जा, तू अपने फ्रैंकल भैया को बता दे और मैं अपने पापा को बताता हूँ, दोनों लेकर चलता है। मैं अपने पापा को, तू अपने भैया को, दोनों को कॉम्पिटिशन लड़वाएंगे और जो जीतेगा उसे लैम्बोर्गिनी मिलेगी। वो ये कौन मचा रहा है मेरे घर के बाहर? जाके चेक करना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए। हमेशा यहाँ पे कोई लोग आते हैं और मेरे सोफे पे बैठे रहते हैं और हल्ला मचाते रहते हैं। लगता है यहाँ पे कोई बच्चा, ये लो चढ़ के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और नीचे कूद जाता हूँ। ये तो दो बच्चे हैं, एक तो मेरे पड़ोस का बच्चा है और एक पता नहीं कौन है जो पुलिस की वर्दी पहन के। ओए बच्चों क्या बात होगी, क्या हल्ला मचा रहे हो? अरे अंकल यार, तुम तो मेरे पड़ोसी हो जो हमारे घर के आगे कूड़ा फेंक देता है। और क्या बच्चों, मेरा जो दिमाग है ना वो पूरा सनका है सनका, कहीं भी कुछ भी कर देता हूँ, तेरे घर के आगे कूड़ा फेंकूंगा। ओए अंकल ज्यादा मत बोल, ओए तू तो मेरे से ज्यादा बोली मत पुलिस वाले, वरना तेरी टोपी उतार के तुझे मारूंगा। अरे अंकल तुम्हें पता है आज क्या है? आज ना यार लैम्बोर्गिनी जीतने का मौका मिलता है ना संडे। ओए मुझे नहीं पता लैम्बोर्गिनी, बस ये कह रहा हूँ कि भागो यहाँ से, मेरे सोफे पे चढ़ा मत करो। अरे हम तो डेली चढ़ेंगे, बताओ क्या कर लोगे? हाँ तो तुम भी मेरा क्या कर लोगे, मैं तेरे घर क्या क्या हमेशा कूड़ा फेंकूंगा। अरे बुड्ढे कहीं की अब की बार कूड़ा फेंक के बताइयो, फिर तेरे को बताऊंगा। हाँ सुनचैन भाई, अगर ये कूड़ा फेंकना तो मुझे बताइयो, फिर उस बुड्ढे को मैं बताऊंगा। और चले जाओ यहाँ से, जाते हूँ और फ्रैंकल भैया को उठा देता हूँ। लगता है फ्रैंकल भैया ने सुबह से सोई रही होंगी। फटाफट से फ्रैंकल भैया को उठाता हूँ और फिर फ्रैंकल भैया को लेके जाऊंगा, कॉम्पिटिशन लड़वाऊंगा। अगर फ्रैंकल भैया जीत गए ना तो फिर हमको लैम्बोर्गिनी कार मिलेगी, फिर तो लैम्बोर्गिनी कार में घूमे करूंगा लॉस सेंटर्स में, बहुत मजा आएगा। और लिटिल सिंगम कह रहा है उसके पापा भी कंपटीशन लड़ेंगे। और क्या सिंचन, मेरे पापा भी कंपटीशन लड़ेंगे? हाँ तो तू भी जा अपने पापा को लेके चलो अड्डे पे, मैं फ्रैंकल भैया को लेके आ रहा हूँ अड्डे पे। ठीक है सिंचन, उसके बाद भाई साहब कंपटीशन होगा कंपटीशन, और देखियो मेरे पापा लैम्बोर्गिनी जीतेंगे। अबे रहने, तेरे पापा तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मेरे फ्रैंकल भैया भी बूढ़े नहीं हुए, मेरे फ्रैंकल भैया ही जीतेंगे। पता है गाइस क्या करना होगा? फ्रैंकल भैया को ना बहुत बड़ी बिल्डिंग से जंप नीचे लगानी होगी और एक गोले के अंदर कूदना होगा। अगर फ्रैंकल भैया ने ऐसा कर लिया तो उन्हें लैम्बोर्गिनी कार मिलेगी। फ्रैंकल भैया उठो यार, अरे फ्रैंकल भैया कब तक सोते रहोगे यार, आज फ्रैंकल भैया पार्टिसिपेट करने जाना है तुमको, अरे उठ जाओ। अरे सिंचन वैसे सही कह रहा है, उसके फ्रैंकल भैया जीत सकते हैं कंपटीशन। एक काम करता हूँ, फटाफट से भगते हुए घर पहुंचता हूँ और पापा को बताता हूँ। जल्दी जल्दी भगते हुए मैं अपने घर तो आ गया। अब पापा को बोलूंगा फ्रैंकल भैया से पहले पापा अड्डे पे पहुंच जाए और पार्टिसिपेट कर ले, उसके बाद तो पापा जीतेंगे। पापा जी नमस्ते पापा जी। अरे लिटिल सिंगम बेटा, सुबह से कहाँ गायब थे पहले ये बताओ? अरे कुछ नहीं पापा, सिंचन के साथ खेल रहा था हमेशा बेटा, बस खेलता रहिए, पढ़िए मत कभी। अरे पापा जी मैं क्या कह रहा हूँ, कॉम्पिटिशन लड़ दो। कॉम्पिटिशन कौन सा कॉम्पिटिशन? अरे पापा जी तो मैंने बिल्डिंग से जंप लगानी, अगर तुमने जंप लगा ली ना बिल्डिंग से, उसके बाद लैम्बोर्गिनी कार मिलेगी तुझे। तुझे क्या बोला तूने, दोबारा बोलियो? अरे पापा जी मतलब आपको, पापा जी आपको गलती से निकल गया। अरे बेटा लगता है तू बहुत ही बिगड़ता जा रहा है, और कहाँ बोल रहा है तू, ये ले घुस गया। अरे पर पापा जी मारा क्यों? बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तू मुझे कहाँ बिल्डिंग से जंप लगवाएगा, तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे पापा दिमाग एकदम सही सलामत है, ये सोचो अगर तुमने बिल्डिंग से जंप लगाई और तुम बच गए तो पापा लैम्बोर्गिनी कार मिलेगी। अरे बेटा लगता है तेरी बुद्धि खिसक गई है, ये ले टाटर खा। और बाप रे मार दिया पापा आज तो तुमने, खड़ा हो जल्दी से, जल्दी खड़ा हो। लो पापा जी खड़ा हो गया, गिनती सुना पहले तू बेटा, तेरा पढ़ने में ध्यान है भी या नहीं? पापा गिनती कौन सी गिनती, 10 तक गिनती सुना देखूं तुझे आती है नहीं आती। पापा सुनाता हूं अभी, 1 2 5 क्या, ये ले एक और चाटा का, 5 बेटा 5 कहां से आ गया गिनती में? अरे पापा जी तोड़ दिया आज तो हड्डी, चले जा बेटा चुपचाप जाके 10 तक गिनती याद कर ले, इतना बड़ा हो गया अब तक 10 तक गिनती नहीं आती। अरे सिटी यार आज तो बहुत गंदा पिट गया, अब लैम्बोर्गिनी लगता है जीत नहीं पाएंगे हम। अबे सिंचन भाई क्या बात होगी, कैसे चिल्ला रहे? अरे फ्रैंकल भाई यार आज कंपटीशन लड़ने नहीं जाना? अच्छा सिंचन संडे है क्या? और क्या फ्रैंकल भाई संडे यार, जल्दी चलो फ्रैंकल भाई लैम्बोर्गिनी जीत के लानी है। पता है लिटिल सिंगम के पापा भी कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। अबे सिंचन लिटिल सिंगम के पापा इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाएंगे क्या नीचे, मुझे क्या पता, पर तुम चलो फटाफट से। चल सिंचन फटाफट से चलते हैं और आज लैम्बोर्गिनी जीत के जाएंगे। हमेशा गाइस यार मैं जाता हूं संडे के दिन और कंपटीशन लड़ता हूं, लेकिन हमेशा हार के आ जाता हूं, लेकिन आज गाइस मैं हार के नहीं आऊंगा। रुक सिंचन पहले कैब वाले को बुला लेता हूं। अरे हां जल्दी बुलाओ कैब वाले को, फटाफट से बैठ के जाएंगे फ्रैंकल भाई और जीत के जाएंगे इस बार तो लैम्बोर्गिनी कार। तो फाइनली गाइस अभी हमारी टैक्सी तो आ चुकी है, आ सिंचन फटाफट से बैठ। अरे हां फ्रैंकल भाई जल्दी बैठते हैं और निकलते हैं फटाफट से। सर जी कहां जाओगे अब, जल्दी बताओ कहां छोड़ दूं? अरे भाई वहां पे छोड़ दे बिल्डिंग के पास, आज मैं कंपटीशन लड़ने जा रहा हूं। अरे क्या सर आप कंपटीशन लड़ोगे, पर सर बहुत ऊंची बिल्डिंग से जंप लगानी पड़ेगी आपको। अरे तो मेरे फ्रैंकल भाई को तो डरपोक समझ रहे क्या, मेरे फ्रैंकल भाई हमेशा लगाते हैं उस बिल्डिंग से जंप। अरे वाह सर आप तो लगता है सुपरमैन है सुपरमैन। अरे नहीं भाई मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, लेकिन आज भाई कुछ भी हो जाए लैम्बोर्गिनी कार जीत के ही रहूंगा। तो फाइनली गाइस अभी हम अपने अड्डे पे तो आ चुके हैं जहां पे गाइस मेरे को कंपटीशन लड़ना है। सिंचन भाई सामने देखियो लैम्बोर्गिनी कार खड़ी है। अरे वाह फ्रैंकल भाई कितनी ओपी लग रही है। वाओ सिंचन, अरे सर मेरे को कंपटीशन में हिस्सा लेना है। फिर आ गया तू, अरे तू हमेशा आता और हार के चले जाता है, हर संडे को तू भाग लेता है लेकिन हार जाता है। अरे भाई तू फटाफट से मेरा नाम लिखना, इस बार देख मैं जीत के रहूंगा। ठीक है तो तुझे रूल तो पता ही है, तुझे बिल्डिंग से जंप लगानी है और वो येलो येलो गोले में कूदना है। अगर तू सही सलामत कूद गया तो तेरी लैम्बोर्गिनी हुई। ठीक है भाई, और याद रखियो पैरा
नया सूट अगर खुला नहीं ना तेरा तो बेटा तेरी तो मौत हो जाएगी, मर जाएगा तू। अरे जाना भाई मेरे को ज्यादा मत बता। तो गाइस अभी मैंने भाग तो ले लिया है, चल सिंचन भाई ये ले मैंने अपने पैराशूट वाला बैग भी पहन लिया। और गाइस ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है, मेरे को गाइस इसी से जस्ट नीचे जंप लगानी है। अरे फ्रेंगल भाई तुम करते लोगे? सिंचन भाई हम अभी बिल्डिंग पे तो आ चुके हैं और सिंचन भाई सामने भाई वो येलो येलो दिख रहा है हरी घास पे, हाँ फ्रेंगल भाई दिख रहा है, उसी गोले के अंदर सिंचन मेरे को एकदम जंप लगानी है। अगर सिंचन मैंने लगा ली तो भाई लैम्बोर्गिनी मेरी होगी। लेकिन फ्रेंगल भाई यार चार हफ्तों से तुम आ रही हो यहाँ पे हर संडे को, हार जाती हो। और गाइस मैंने ये लो भाई पैराशूट भी खोल लिया, अभी गाइस मुझे ऐसा लगा जैसे भाई पैराशूट खुल ही नहीं रहा अब। लेकिन भाई मेरे पैर हाथ कांप रहे हैं, अगर गाइस आज भी मैं लैम्बोर्गिनी नहीं जीत पाया तो गाइस मैं सिंचन को अपनी शक्ल ही नहीं दिखा पाऊंगा। कुछ भी हो जाए गाइस आज मेरे को जीतना होगा। अगर गाइस आप लोग भी चाहते हो मैं जीत जाऊं तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज गाइस कर दो यार, ताकि मैं जीत जाऊं और मेरे पास लैम्बोर्गिनी कार आ जाए। प्लीज प्लीज काश यार मैं गोले के अंदर जंप कर जाऊं। और यार बहुत बढ़िया गाइस मैं तो जीत गया यार। तो फाइनली गाइस अभी यार मैं लैम्बोर्गिनी कार तो जीत चुका हूं। अरे वाह फ्रेंगल भाई यार फाइनली हम तो लैम्बोर्गिनी कार जीत गए। हां सिंचन भाई बहुत बढ़िया मैं तो जीत गया। बहुत बढ़िया बेटा आज तो तू फाइनली जीत गया बेटा, मैं तो बहुत खुश हूं। अरे चल चल फटाफट से अब लैम्बोर्गिनी कार दे, ले जा बेटा तेरी लैम्बोर्गिनी कार है, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, ये तो कंपनी वालों की तरफ से है लैम्बोर्गिनी कार। चल सिंचन भाई आज फाइनली भाई लैम्बोर्गिनी कार जीत ली। सर जी आपकी फोटो खिंचवा लो। अरे भाई फोटो वोटो आप घर पे ही खिंचवाऊंगा। चलो फ्रेंकिल भाई यार अपने फटाफट से मिठाई खरीदो यार, अपने पड़ोसी का मुंह मीठा कराऊंगा। अबे सिंचन सबका मुंह मीठा कराएंगे। तो गाइस अभी मुझे पूरा आधा घंटा हो चुका है यार लैम्बोर्गिनी कार चलाते चलाते। सिंचन भाई क्या एक्सपीरियंस है तेरा? अरे मेरा तो एकदम ओपी वाला एक्सपीरियंस है। सिंचन देखियो सामने किसकी दुकान है, अरे ये तो फल फ्रूट की दुकान है। सिंचन भाई आस पास कोई मिठाई की दुकान तो है ही नहीं, एक काम करते हैं सिंचन यहाँ से भाई फल फ्रूट ही खरीद लेते हैं। अरे हाँ यार ये बात भी सही है, फटाफट से फल फ्रूट खरीदो और मजे से फल फ्रूट खाएंगे। हेलो भाई यहाँ पर कोई है क्या? ये रहा सिंचन, ये कौन है? अरे हेलो भाई अमीर आदमी लगते हैं, लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे। हाँ भाई बहुत अमीर है, फटाफट से तू भाई एक किलो केले पैक कर दे। एक किलो या एक दर्जन? एक दर्जन दो दर्जन तू बस कर दे। अरे हाँ तुम तो अमीर आदमी हो। अरे बस ये तो वही लैम्बोर्गिनी है बस, जिसमें आज आपने भाग्य लिया था और आप हार गए थे। अरे हाँ कॉम्पिटिशन तो मैंने लड़ा था लेकिन मैं हार गया, लगता है यहाँ पे कोई आया है जो वो कॉम्पिटिशन जीत गया है। अब तो मेरी जल के राख हो गई, अब तो ये कार चुरानी पड़ेगी। जी बस हम भी तो वही कह रहे, चुरा लो बस, आपके पास तो बंदूक भी है। और क्या, बंदूक के दम पे तो मैं राजा हूँ, आज तो चुरा ही लूंगा ये प्यारी लैम्बोर्गिनी कार। लेकिन ये है किसकी? अरे बस सामने बनियान पहन के एक बच्चा खड़ा है और उसके साथ एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा भी है। अच्छा उनकी है, अभी पकड़ते हैं उनको। अबे सिंचन भाई ये लोगों के मेरे को इरादे सही नहीं लग रहे। अरे हाँ फ्रेंगल भाई यार हमारी लैम्बोर्गिनी के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। हेलो भाई क्या बात हो गई, मेरी लैम्बोर्गिनी के बारे में कुछ बात कर रहे हो? लैम्बोर्गिनी? अरे बच्चे अब चल इसे छोड़ दे फटाफट से और निकल यहाँ से पैदल पैदल। अरे भाई क्या कह रहा है, तेरा दिमाग तो सही सलामत है ना? दिमाग तो एकदम ठिकाने पे, अब निकल। अरे बस मैं क्या कह रहा हूँ, इसको नंगा भी कर दो, अभी आपको सीरियस नहीं ले रहा। अबे भाई ज्यादा मत बोल वरना चांटे बजाऊंगा गल पे। अरे हाँ फ्रेंगल भाई गल पे चांटे बजा दे, इसकी ज्यादा ही बोल रही है। नमूना नमूना बस दिखाना इसका अपना लुस रूप, अभी इसको नंगा करता हूँ। अरे भाई कम से कम मेरे कपड़े तो दे दो, मेरे कपड़े क्यों छीन लिए? अरे भाई प्लीज यार फ्रेंगल भाई के कपड़े दे दो। और यार हमारी लैम्बोर्गिनी कार मत लेके जाओ। मुझे हल्के में ले रहे थे तुम, मैं बहुत भारी इंसान हूँ मैं। अरे प्लीज भाई कपड़े तो दे जाओ। नहीं देंगे तेरे कपड़े। अरे बॉस मैं क्या कह रहा हूँ, ये गन तो बहुत ओपी है, किसी से भी कुछ भी करवा देती है। हाँ सही कह रहा है। अरे सिर्फ सिंचन भाई अब तो मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। अरे हाँ फ्रेंगल भाई लैम्बोर्गिनी कार लेके तो गए और फ्रेंगल भाई यार देखो तुम्हारे कपड़े भी छीन लिए। सिंचन भाई इनके पास ना बंदूक थी जिससे भाई मेरे को बहुत डर लगा, इसलिए सिंचन मैंने अपने कपड़े भी उतार के दे दिए। और सिंचन भाई मैंने दे दी भाई अपनी लैम्बोर्गिनी कार। अरे पर पत्तू में क्यों छुप रही हो? सिंचन भाई मेरे को बहुत शर्म आ रही है। अरे तो एक काम करो फ्रेंगल भैया, पीछे जंगल का रास्ता है, जंगल के रास्ते से चलते हैं, अगर फिर तो कोई देखेगा भी नहीं तुम्हें। हाँ सिंचन अब तो यही करना पड़ेगा। सिंचन भाई मेरे को तो सच में बहुत डर लगा था भाई उसकी गन से, मुझे लगा था कहीं वो चला ना दे, इसलिए सिंचन भाई मैंने अपने कपड़े भी उतार दिए। फ्रेंगल भैया यार वो बहुत गंदी लुक थे। सही कह रहा है सिंचन, लेकिन एक सेकंड सिंचन ये क्या चीज है भाई जंगल में, पता नहीं क्या है। फ्रेंगल भैया लाल लाल? हाँ सिंचन भाई ये लाल लाल तो लग रहा है, लेकिन सिंचन ऐसा तूने कहीं कुछ देखा है? अरे हाँ टीवी में देखा है फ्रेंगल भैया, कोरोना वायरस जैसा है। एक सेकंड सिंचन ये क्या चीज है, अरे कहीं फ्रेंगल भैया कोरोना वायरस दोबारा तो नहीं निकला? अब सिंचन भाई उसका तो नाम ही मत ले, लेकिन ये हो क्या रहा है सिंचन? और ये कौन है सिंचन? आ गए फिर तो बाहर आ गया, लगता है तुमने निकाला है मुझे बाहर, लगता है तुम्हारा नाम चड्डी बनियान नाम है। अरे भाई यार हमारा चड्डी बनियान नाम नहीं है यार, फ्रेंगल भैया बताओ ना इसको तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब सिंचन तू चुप हो जा यार, ये सोच सिंचन भाई ये कैसे बाहर आ गया? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे बाहर आ गया, मुझे बेटा तुमने बाहर निकाला है, बरसों से मैं जंगल में कहता और बेटा जो भी मेरे इस गुब्बारे जैसे शरीर को टच करेगा ना तो ही मैं बाहर निकलता, लेकिन बेटा इस चीज को कोई टच ही नहीं करता था, सब लोग डरते थे। अरे सिंचन ये क्या कर रहा है, तेरे समझ आ रहा है? अरे हाँ फ्रेंगल भाई मेरे को समझ आ रहा है, ये जो फ्रेंगल भाई कोरोना जैसा है ना ये बता रहा है कि इसको जो भी टच करता है ना जब ये बंदा बाहर निकलता है, और जैसे तुमने फ्रेंगल
इसको टच करा ना ये बंदा बाहर निकला। अरे छोटे बच्चे से तू तो बहुत ही समझदार है, मतलब तुमने भाई मेरे को बाहर निकाला तो बेटा तुम मेरे से दो विस मांगो, मैं तुम्हारी दो विस पूरी करूंगा। अब सिंचन भाई सच में ये हमारी दो विस पूरी करेगा क्या? अरे फिंगल पे मांग लो यार, मेरे को तो सच में कोई जादू बंदा लग रहा है। हाँ सिंचन भाई, जिस तरीके से ये बाहर निकला है उस तरीके से तो मेरे को भी जादू लग रहा है। तो भाई मेरी पहली विस ये है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे ना इनका जो भी सपना है वो पूरा हो जाए। जी हाँ बेटा, मैंने तेरे को वरदान दिया, तेरी पहली विस पूरी करी, मांग दूसरी विस। भाई मेरी दूसरी विस ये है, मैं जो कुछ सोचू ना वो मेरे सामने आ जाए। जैसे कि मैं रिमोट कंट्रोल कार के बारे में सोचू वो मेरे सामने आ जाए, मैं कार के बारे में सोचू वो मेरे सामने आ जाए, बस इतनी सी बात। जी हाँ बेटा, मैंने तेरे को वरदान दिया, अब मैं जाता हूँ अपने अड्डे पे। अड्डे पे? और बस सिंचन वो कहाँ गया? अरे फिंगल भाई यार वो तो गायब हो गया अचानक से। ओए सिंचन, इसका मतलब भाई उसने जो भी दो वरदान दिया है वो सच है। तो सिंचन मैं सोचता हूँ मेरे कपड़े आ जाए। अरे वाह यार फिंगल भाई, तुमने तो कपड़े पहन लिए, अभी तक तो तुम नंगे थे। बढ़िया सिंचन भाई, काफी ओपी पावर है। चल सिंचन अब ना फटाफट से अपने घर चलते हैं, ये जंगल ठीक नहीं लग रहा। हाँ फिंगल भाई घर चलो यार, मैं और सिंचन मेरे घर पे पहुंच जाए। अरे वाह, हम तो फिंगल भाई अपनी छत पे पहुंच गए। बढ़िया सिंचन, अब एक काम करते हैं सिंचन, तो मेरे को बता भाई मेरे को क्या सोचना चाहिए। वो सब सिंचन फिर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है फिंगल भाई, मैं बताता हूं तुम्हें क्या सोचना चाहिए। तो गाइस अभी यार पूरे दो घंटे बीत चुके हैं और गाइस देखो यार मैंने यहाँ पे क्या क्या सोचा और वो सब कुछ गाइस मेरे पास आ गया। इधर देखो गाइस काफी सारा गोल्ड है और नीचे की तरफ गाइस देखो कितनी सारी बाइक है। गाइस मेरे को ना बाइक काफी पसंद है, इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे काफी सारी बाइकों के बारे में सोचा। सारी बाइक मेरे पास हो गई और गाइस इधर कुछ बड़े बड़े ट्रक भी है, क्योंकि गाइस मेरे को ना बचपन में बड़े बड़े ट्रकों का काफी शौक था। तो बस गाइस मैंने यहाँ पे आज फाइनली यार काफी बड़े बड़े ट्रक मांग लिए और फिंगल भाई तुमने बहुत सारे गोल्ड मांगा है। और गाइस देखो यार मेरे अंदर एक सुपर पावर भी आ गई। गाइस मैं हल्की सी जंप मारता हूँ ना तो मैं काफी ऊंचा उछल जाता हूँ। हाँ फिंगल भाई तो काफी ओपी वाली जंप है। और गाइस आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि गाइस आपका सपना पूरा हो सके। गाइस उस एलियन से मैंने आपके लिए वरदान मांगा था यार, जो भी गाइस आपका सपना है वो आपका पूरा हो जाए। देखो गाइस मेरा दूसरा वरदान तो पूरा हो गया, जो मैं सोचता हूँ वो मेरे सामने आ जाता है। अब गाइस आपका जो भी सपना है वो पूरा हो जाएगा। बस गाइस आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ गाइस यार, जैसे आप इस वीडियो को लाइक करोगे ना गाइस आपका जो भी सपना है ना वो जरूर पूरा होगा। हाँ तो गाइस आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और इधर देखो गाइस मैंने एक लैम्बोर्गिनी कार मांगी है और भाई यहाँ पर काफी सारे पैसे हैं गाइस, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस प्यारा वाला बाय।